शम्स मार्ट का जो है इनाग्रेशन हुआ है, इसके लिए मैं पूरे मनहली के लोगों को जो है मुबारकबादी देता हूँ। छोटी सी कोशिश है लेकिन हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि शम्स मार्ट के नाम से सिंदौल के अहमद भाई और सत्तार भाई दोनों ने मिलकर जो है ना ये काम किया है। एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है यहां पर आकर वो लोग परचेस कर जो है इस दुकान को जो है अच्छे से जो है ग्राहक कर इस दुकान की जो है तरक्की में आप लोग जो है उनका साथ दे सकते हैं। हमारे पास पूरा हर चीज़ जो है 30-50% डिस्काउंट पे है, आप आकर फायदा उठाएं। ये अल्ला मार्केटिंग इन्हें दुड मटक बरली नमदेल साकर मत इन ग्राम सतहन एलू साकर तमें नु मन माती। हेलो फिरोज, फिरोज नहीं
अस्सलामु अलैकुम। आज मनहली में शम्स मार्ट का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, इसके लिए मैं पूरे मनहली के लोगों को जो है मुबारकबादी देता हूं और ख़ासकर हमारे अहमद भाई और सत्तार भाई को जो है मुबारकबादी देता हूं कि इतनी अच्छी जो है दुकान यहां पर लगाए हैं। यहां पर जो है हर वैरायटी का जो है यहां पर जो है सामान रखा है। एक छोटे से जो है विलेज में इतनी अच्छी जो है दुकान डालना बोले तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और यहाँ पर जो है 30% 50% पे जो है डिस्काउंट पे भी जो है सामान मिल रहा है। इसके लिए मैं पूरे मनहली के लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है यहाँ पर आकर वो लोग परचेस कर जो है इस दुकान को जो है अच्छे से जो है ग्राहक कर इस दुकान की जो है तरक्की में आप लोग जो है उनका साथ दे सकते हैं। और मैं मनहली के लोगों को जो है और एक बार मुबारकबादी देता हूँ कि जो है इतनी अच्छी दुकान आपके जो है विलेज में आई है, तो आप इससे जो है भरपूर जो है फ़ायदा उठा कर इन लोगों का जो है हौसला जो है बढ़ाइए। दो बात अपने कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर मनहली में शम्स मार्ट का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे पास पूरा हर चीज़ जो है 30 से 50% डिस्काउंट पे है। आप आकर फ़ायदा उठाएं। और होम अप्लाइंस 30 से 50% ऑफर पे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। शम्स मार्ट के नाम से आज हमारे गांव मनहली के अंदर शॉप खुली है और इसमें हर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है। जैसा कि आज की ज़रूरी ज़िंदगी में घर के किचन का जो है सामान हो या जो है ना रहन सहन का सामान हो या ज़रूरियात ज़िंदगी में जो भी लगता है वो जो है ना मार्ट यानी जैसा कि डी मार्ट चल रहा है, रिलायंस मार्ट चल रहा है, ऐसा ही जो है ना एक छोटा सा छोटी सी कोशिश है लेकिन हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि शम्स मार्ट के नाम से सिंदौल के अहमद भाई और सत्तार भाई दोनों ने मिलकर जो है ना ये काम किया है। अल्लाह इनको कामयाब करे। और मैं हमारे गांव के आसपास गांव देहातों के लोगों से और हमारे गांव के लोगों से बोल रहा हूँ कि आके यहाँ पर इस दुकान का सामान ख़रीदें और अपने लिए भी फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि यहाँ पर 30% से लेकर 50% तक छूट है और टोटली ब्रांड माल यहाँ पे है। लोकल माल कौन सा भी नहीं है और ना डेट एक्सपायर हुआ सो माल है। जहाँ तक हो सकता फ़ायदा उठाइए, जाके जो है ना 1000 रुपये का सामान यहाँ पे आपको 500 रुपये में मिल रहा। वहाँ पे बिदर को जाके लेना, जहराबाद जाके लेना। अब ये छोटे से गांव में जो है ना ये लोग कोशिश करें तो इन लोगों का भी ताउन करना हम गाँव वालों की जो है ना ये जिम्मेदारी है। इसलिए जो है सो मैं बिलखसूस हमारे गांव के और आतराफ के खेड़े पाड़े के जो जितने भी देहात लगते हैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप ये बच्चों की कोशिश का भरपूर फ़ायदा आप उठाइए, क्योंकि पब्लिक का फ़ायदा है इसमें, इनका कुछ भी नहीं, पब्लिक का फ़ायदा है। ಇಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಆಗಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯದಂದರೆ ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ಬಾತಿದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ತನ್ವೀರ್ ಭಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಕಡಿಂದು ಮನ್ನಳ್ಳಿದಲ್ಲೇ ಸಿಗೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಬೇಕು, 5 ನಿಮಿಷದ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ಬೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಹಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ।